नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह उठते ही बहुत सारे लोग छींकते रहते हैं, गले में खराश होती है या फिर उनका नाक पूरी तरह से जाम हो जाता है, नाक में से पानी निकलता रहता है। बहुत सारे रीजन होते हैं कि आपको नाक की एलर्जी रहती है। अगर किसी व्यक्ति का पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है तो भी इस प्रकार का संक्रमण उनको होने लगता है। अगर किसी वस्तु से एलर्जी रहती है तो भी ये संक्रमण उनको होता रहता है। लेकिन देखा गया है कि अधिकतर सुबह उठते ही इस प्रकार की समस्या ज्यादा होती है कि सुबह उठेंगे तो कम से कम 15-20 छींकें एक साथ चल जाएगी, कान में खुजली चलेगी, गले में खुजली चलेगी, आंखों में से पानी निकलने लग जाएगा और छींक छींक कर उनका सिर दर्द भी शुरू हो जाता है। आज के उपाय बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो आज के उपाय आप जरूर करें, आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर कप की प्रवृत्ति बढ़ती है तो भी एलर्जी होने के चांस बढ़ जाते हैं, या पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, एसिडिटी ज्यादा बनती है, या पित्त की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो भी आपको नाक संबंधी और गले संबंधी संक्रमण बढ़ने लगते हैं। कुछ उपाय तो आप करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उसके साथ में अगर आप कुछ परहेज भी रखते हैं तो आपका बार बार छींकें आना बिल्कुल सही हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार छींकें आती है, गले में खुजली चलती है, नाक में से पानी निकलता है, नाक जाम हो जाता है, तो उसका मतलब यही है कि उसको एलर्जी है। अगर आप डॉक्टर को चेक करवाने जाते हैं तो आपको साइनस की समस्या भी बोल सकते हैं, आपको एलर्जी की दवाइयां भी दे सकते हैं, लेकिन उन दवाइयों का सेवन जब तक आप करते हैं तब तक आपको आराम रहता है, उसके बाद वही समस्या होने लगती है। तो अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपको सबसे पहले स्टीम पर ध्यान देना है। आपको जब भी नाक संबंधी कोई संक्रमण होता है कि जैसे नाक जाम हो जाता है, नाक में से पानी निकलता है, आपके नाक में से मांस बढ़ चुका है, नाक के अंदर खुजली चलती है, नाक में कुछ चुभता है, तो सबसे पहले स्टीम की तरफ बढ़ना है। अब यहाँ पर आप स्टीम किसी भी तरह की ले सकते हैं, जैसे आप तुलसी की स्टीम ले सकते हैं, या अदरक का पानी बनाकर उसकी स्टीम आप ले सकते हैं, ऑयल डाल करके भी आप स्टीम ले सकते हैं। जब आप स्टीम लेते हैं तो श्वास नली पूरी तरह से काम करती है, उसके अंदर अगर ब्लॉकेज आ रहे होते हैं तो भाप की क्रिया से वह बिल्कुल धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो आपके बिल्कुल अगर कप भी जम चुका होगा तो उसको पिघला देगा। अगर आपको पित्त की समस्या भी होगी और जलन होगी तो उसको भी वो बिल्कुल सही करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यही उपाय है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार छींकें चलती है, नाक बहता है, तो उसके लिए स्टीम बहुत ही ज्यादा फायदेकारी है। आप स्टीम लीजिए, उससे आपको काफी आराम आएगा। किसी व्यक्ति का नाक जाम होता है, नाक संबंधी कोई संक्रमण होता है, तो गर्म पानी की तरफ ही बढ़ना है। जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में बताती हूँ कि गले के संक्रमण होते हैं तो भी आपको गर्म पानी पीना है, सर्दी जुकाम लगता है या फिर नाक संबंधी कोई एलर्जी होती है तो भी गर्म पानी की तरफ बढ़ना है। जब भी आपको प्यास लगती है आप पानी को गर्म करिए, उसके अंदर आप चाहे तो तुलसी के ड्रॉप डालकर अगर वो पानी पीते हैं तो और भी ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ नहीं डाले तो आप साधारण पानी भी गर्म करके पीते हैं तो काफी ज्यादा आराम मिलता है। नाक संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है उसमें आपको आराम आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी तो उसमें आराम आएगा। अगर आपको बार बार छींकें आती है तो उसे आप बिल्कुल सही कर पाएंगे और ये आपका इम्यूनिटी जो कमजोर रहता है जिसी के कारण ये समस्याएं होती है। तो अगर आप गर्म पानी को बार बार पिएंगे तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर गर्म पानी शरीर के अंदर जाता है तो वह पूरे विकारों को खत्म करता है, रक्त को शुद्ध करता है, कीटाणुओं को खत्म करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो इसीलिए आप गर्म पानी जितनी बार प्यास लगे वही पिया कीजिए तो नाक की एलर्जी में आपको काफी आराम मिलेगा। अगर पुरानी से पुरानी आपकी ये समस्या हो गई है कि आपको बहुत ज्यादा छींकें आती है तो सोंठ का जो पाउडर होता है, अदरक का सूखा हुआ रूप, उसका आप आधा छोटा चम्मच लीजिए, उसे पानी के अंदर डालकर उसे बॉईल कर लीजिए। उसका पानी भी आप सीप सीप करके अगर दो टाइम पीते हैं, जैसे सुबह में भूखे पेट पी लीजिए, रात को सोते समय पी लीजिए, तो सुबह उठकर जो छींकें आती है उसमें आराम मिलता है। अगर पित्त की प्रवृत्ति बड़ी होती है तो उसमें आराम आता है। अगर कफ की समस्या बड़ी होती है तो उसमें भी वो कंट्रोल करता है और ये समस्या धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जैसे सर्दी के मौसम में ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो आप सोंठ का पानी कंटिन्यू अगर पीते रहते हैं तो आपकी बॉडी काफी अच्छी हो जाती है, पेट पूरी तरह से साफ रहता है और इस प्रकार का संक्रमण आपको बार बार नहीं लगता। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बार बार छींकें चलती है, जुखाम लगता है, खांसी चलती है, गले में खराश आ जाती है, या फिर अगर आपको लगता है कि पित्त बढ़ रहा है, एसिडिटी हो रही है, नाक में जलन हो रही है, खुजली चल रही है,
तो इस तरह से सोड का पानी भी आप ले सकते हैं। अगर इन उपायों को आप लगातार करते हैं तो एलर्जी क्लाइराइटिस में आपको काफी आराम मिलता है, और अगर आपको कुछ आराम मिलता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी और के भी काम आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।